पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन का 2 दिवसीय सम्मेलन संपन्न। सुभाष पेमोली दोबारा बने प्रांतीय अध्यक्ष। जनपद चमोली के पर्यटन नगरी ग्वालदम में आयोजित पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन के 2 दिवसीय सम्मेलन का बुधवार को नई कार्यकारिणी के गठन के साथ समापन हो गया। नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को संगठन के संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार ललिता प्रसाद लखेड़ा ने मुख्य अतिथि पूर्व काबिनी मंत्री और बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र भंडारी की उपस्थिति में शपथ दिलाई। नई कार्यकारिणी में सुभाष पेमोली को पुनः सर्वसम्मति से अध्यक्ष, दिनेश जोशी को सचिव, खुशाल असवाल को कोषाध्यक्ष, प्रकाश डिमरी को उपाध्यक्ष चुना। ललिता प्रसाद लखेड़ा और दिगपाल सिंह गुसाई संरक्षक के रूप में रहेंगे। समापन समारोह को संबोधित करते हुए बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि पत्रकार और विपक्ष यदि सजग नहीं रहे तो सरकारें निरंकुश हो जाएंगी। उन्होंने कहा वे सदन में पत्रकारों के हितों की बात रखेंगे। पीपीए ने तहसील स्तर पर पत्रकारों को मान्यता देने, 50 साल के बाद पेंशन लागू करने, वयोवृद्ध पत्रकारों को आर्थिक सहायता और पत्रकार कल्याण कोष के जरिए पत्रकारों की मदद करने की जो मांग की है, इस पर विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी ने आश्वासन दिया कि पत्रकारों की इन मांगों को भी वे सदन में पुरजोर तरीके से रखेंगे। सम्मेलन को जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत भी उपस्थित रहे। अधिवेशन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पत्रकारों ने शिरकत की। विद्या मंदिर की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। यहाँ समस्या है, आप जानते हैं कि पत्रकारों का जो है अखबार के मालिक जो शोषण कर रहे हैं और पार्टी के लोग जो नाराज मत होना, पार्टी में आप मंत्री रहेंगे या विधायक रहेंगे, आप हमारे क्षेत्र में आ जाएंगे तो भाई आओ भाई सब लोग पत्रकार आ जाओ, आज हमें पत्रकार वार्ता करनी है तो हमें तो अपना काम छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। आप पे कोई ब्लेम करता है, आपको उसका स्पष्टीकरण देना है, वो हम करते हैं। वो जो है मान्यता के वाले पत्रकार चाहे कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, यहाँ उनको लेकर के अपने साथ नहीं आते हैं कि आपके स्पष्टीकरण जनता तक कौन पहुँचाएगा। हम पहुँचाते हैं, हम आप लोगों का काम करते हैं। मेरा निवेदन है कि आप हमारा काम करने में हमारा साथ देंगे, ऐसे मेरी उम्मीद है। स्तर पे पहाड़ी क्षेत्र के पत्रकारों को मान्यता मिलनी चाहिए। दूसरा, पेंशन के लिए हरीश रावत के टाइम पे जो है कुछ बातें तो हो गई थी लेकिन सरकार चली गई, उसके बाद वो काम नहीं हो पाया है। पत्रकारों को 60 साल के बाद तो हर किसी को जो है वो 1000-2000 पेंशन तो मिलती है, लेकिन अवैतनिक हम लोगों को, हम इतना काम करते हैं, हम लोगों को सरकार की कोई योजना स्पेशल नहीं है कि भाई इनको जो है हम 5000 से अन्य। तो देश सही दिशा दशा में नहीं चलता है। एक आकलन करना, कमियों को गिलाना, समस्याओं को उजागर करना, जो समाज के अंदर कुरीतियां हैं उनको अपने लेखनी के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखाना, ये सब पत्रकारिता के माध्यम से ही संभव हो पाता है। और कहा भी गया है विपक्ष और पत्रकार अगर सजग नहीं रहेंगे तो देश में निरंकुशता आ जाएंगे। सरकारें तभी काम करती है जब पत्रकार और पत्रकारिता चरम पे हो। और बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। वैसे आज तो पत्रकारिता में भी बड़े बड़े नाम दिए जा रहे हैं, गोदी मीडिया भी कहा जा रहा है, परंतु आप तो पहाड़ के स्तंभ में, आप लोग आप पे इस तरह के आरोप मैं समझूंगा ये बेबुनियाद होंगे। और जिन कठिन परिस्थितियों में हमारा पहाड़ का पत्रकार काम करता है, असंभव को संभव बनाना, ऐसे गाड गदेरे, ऐसे तूफान, ऐसी आपदाएं, ऐसी विपदाएं हमारे पहाड़ों पे आती है और फिर भी निर्भीक होकर के जिस तरह से आप लोग काम करते हैं, मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूं। मैं मान सकता हूं कि पत्रकारिता हमेशा किसी नेता के पक्ष में हो या ना हो। प्रिय जिला पंचायत अध्यक्ष साहब महोदय श्रीमती रजनी भंडारी का हम सभी पत्रकार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। महोदया, पत्रकारों की समस्याओं से आप भली भांति अवगत हैं। पत्रकार किन विषम परिस्थितियों और आर्थिक तंगी के बावजूद भी सामाजिक सरोकारों से जुड़कर समाज के विभिन्न मुद्दों, विकास के साथ साथ जन समस्याओं पर भी अपनी लेखनी के माध्यम से उठाते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार व प्रशासन द्वारा पत्रकारों के हित में कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाए गए हैं। महोदय, आपसे अनुरोध है कि पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन के प्रधान कार्यालय जो कि
करण प्रयाग में स्थित है हेतु। खबर भारतवर्ष के लिए ग्वालदम चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनित्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।